यात्रीगण कृपया ध्यान दें। रिसेंटली आपने एक न्यूज सुनी होगी कि मध्य प्रदेश के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति के नाम पर रखा गया है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के सामने हबीबगंज का नाम बदलकर रानी कमलापति के नाम पर रखने का प्रस्ताव रखा, जिसको मंजूरी मिल चुकी है। कौन थी ये रानी कमलापति? क्या है हबीबगंज रेलवे स्टेशन का इतिहास? क्यों स्टेशन का नाम बदला जा रहा है? सब कुछ जानेंगे डिटेल में हम अपनी आज की इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। बट उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को शेयर करते रहें हमें सपोर्ट करने के लिए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट करा इंडिया का पहला वर्ल्ड क्लास PPE मॉडल रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन किसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कम नहीं दिखता। PM मोदी ने 15 नवंबर को रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। तो चलिए पहले जानते हैं हबीबगंज का इतिहास। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम हबीब मियां के नाम पर रखा गया था। उससे पहले इसका नाम शाहपुर हुआ करता था। फिर सन 1979 में हबीब मियां ने अपनी जमीन रेलवे के विस्तार के लिए दान दे दी थी, जिसके बाद इस स्टेशन का नाम उनके नाम पर पड़ गया था। और MP नगर का नाम गंज हुआ करता था, तो हबीब और गंज को मिलाकर इसका नाम हबीबगंज रखा गया था। तब 1979 में हुआ था हबीबगंज रेलवे स्टेशन का निर्माण। तो इस स्टेशन का नाम बदलकर अब रानी कमलापति के नाम पर रखा गया है। रानी कमलापति, जो 18वीं शताब्दी की गौंड जनजाति की रानी थी, वह गन्नौरगढ़ के प्रमुख शासक निजाम शाह की विडो थी। वह अपनी बहादुरी और सुंदरता के लिए बहुत फेमस थी। उन्होंने 7 मंजिल कमलापति पैलेस का भी निर्माण कराया था, जो करंटली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित मॉन्यूमेंट्स में से है। तो रानी कमलापति गौंड ट्राइब, गौंड जनजाति से संबंध रखती थी। ये भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह माना जाता है, जिसकी जनजाति 1,20,00,000 से भी ज्यादा की है। रानी कमलापति आखिरी हिंदू रानी थी भोपाल की। हबीबगंज, जो कि लोकेटेड है भोपाल के पास, इसका 14 जुलाई 2016 को PPE के तहत मॉडर्नाइजेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया था। इसका रीडेवलपमेंट करा गया, मतलब सरकारी और प्राइवेट कंपनीज की भागीदारी से इसका पुनर्विकास करा गया। 2017 में इस रेलवे स्टेशन की रीडेवलपमेंट के लिए इंडियन रेलवे डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने बंसल ग्रुप के साथ मिलकर इसकी शुरुआत की थी। इस स्टेशन के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की कुल लागत 450 करोड़ रुपए है, जिसमें से 100 करोड़ सिर्फ यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए खर्च करे गए हैं। हबीबगंज देश का पहला ऐसा स्टेशन है जहां पर यात्रियों को एयरपोर्ट की तरह वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलेंगी। ये स्टेशन वेस्ट सेंट्रल रेलवे में आता है। यह भारत का पहला ISO सर्टिफाइड रेलवे स्टेशन है। यह स्टेशन भारत की पहली सर्टिफाइड ट्रेन शान ए भोपाल एक्सप्रेस का हेडक्वार्टर भी है। यहाँ कई बड़ी बड़ी ट्रेनों के स्टॉप भी हैं। इस स्टेशन को जर्मनी के हेडलबर्ग रेलवे स्टेशन की तर्ज पर विकसित किया गया है। 1955 में बने जर्मनी के इस स्टेशन पर लगभग 42,000 यात्री आराम से आ जा सकते हैं, वो भी बिना किसी भीड़ भाड़ के। और इसी तर्ज पर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को डेवलप किया गया है। इस स्टेशन पर बहुत सारे यात्रियों की बैठने की कैपेसिटी है। स्टेशन पर एंट्री और एग्जिट के लिए अलग अलग रास्ते हैं, ताकि धक्का मुक्की ना हो। सीढ़ियों के साथ साथ सभी स्टेशन पर एक्सीलरेटर्स और लिफ्ट भी लगाई गई हैं। सभी 5 स्टेशन को कॉनकर्स से लिफ्ट, एक्सीलरेटर्स और सीढ़ियों से जोड़ा गया है। इसके साथ साथ 2 अंडरग्राउंड सबवे भी बनाए गए हैं, जहां से करीब 1500 यात्री एक साथ अंडर सबवे से गुजर सकेंगे। स्टेशन पर फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, कंडीशन्ड वेटिंग रूम्स जैसी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं भी दी जाएंगी यात्रियों को। साथ ही 160 CCTV कैमरास भी इंस्टॉल किए गए हैं सुरक्षा के लिए। पहले तो इस स्टेशन का नाम फॉर्मर PM अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने की डिमांड की गई थी, बट बाद में MP गवर्नमेंट ने इस स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम पर रखने का फैसला किया। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।